हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल फाजरिया और आप देख रहे हैं महान विचारक यूट्यूब चैनल। मैं आपको इस वीडियो में सीक्रेट ऑफ सक्सेस के फॉर्मूला दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट न करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दे। इस बात में हमें यह सीखना है कि हमारे आइडिया, हमारे विचार या हमारी पर्सनल बात किसी को साथ शेयर नहीं करनी। दूसरी बात, ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथा श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं सीखा, या आपने दान अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया। दोस्तों, सफलता के लिए हमें हमारे पास आज कई यंत्र है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और भी कई चीज़ें, इसलिए हमें इसका सदुपयोग करके इसका यूटिलाइज करना चाहिए और हमें अपने जीवन में इस यंत्र से क्या इम्प्रूव कर सकते हैं यह जानना चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा, उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञात होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञात होगा। दोस्तों, हमें सतत सीखते रहना चाहिए। सीखते रहने से हम जीवन में ग्रो कर सकेंगे और सक्सेसफुल होंगे। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है, यह बात याद रखें। हमें हमारे पास कितना भी धन हो, लेकिन उस धन का हमें यूटिलाइज करना चाहिए। इसको हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड या LIC और भी बहुत सारे रास्ते में हम इस धन का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए धन हमारे पास है तो उस पर गुरूड़ मत करना चाहिए और इसको यूटिलाइज करना चाहिए। बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे। दोस्तों, हमें समाज में किसी भी मित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए, यह बात चाणक्य ने बहुत अच्छी तरह से सिखाई है। हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होते, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते हैं। आचार्य चाणक्य ने यह बात प्रकृति से सीखी है और हमें सिखाई है, इसलिए इस बात को अपने हृदय में गहराई से डाल दीजिए। मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है, मनुष्य के बोलचाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है, मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ता है, उसके शरीर का गठन उसके भोजन से बढ़ता है। दोस्तों, इस बात में हमें आचार्य चाणक्य ने हेल्थ को प्रायोरिटी देने के लिए बताई है। जो उद्यमशील है वे गरीब नहीं हो सकते, जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप नहीं सूझ सकता,
जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते और जो जागृत रहते हैं वो निर्भय होते हैं। सफलता के लिए हमें उद्यमशील रहना, हरदम भगवान को याद करते रहना, मौन भी रहना है और जागृत भी रहना है, तभी हम सफल होंगे। क्या लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, ना बीच में और ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। दोस्तों, इस बात में आचार्य चाणक्य ने सफलता का गहरा मंत्र हमें समझाया है कि हमारे पास सच्चा और अच्छा दोस्त एक होना ही चाहिए। सच्चा और अच्छा दोस्त हमारे बिजनेस में, हमारे जीवन में हमें ग्रो करने में बहुत मदद करता है। अच्छा और सच्चा दोस्त के बिना हम जीवन में ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए हमें जीवन में एक सच्चा दोस्त रखना ही चाहिए।